अलार्मिंग खबरें भी बाहर आ रही हैं। चलें एक सिलसिला हम चैंपियंस कप का कर लेते हैं, फिर हम टेस्ट मैच पे आ जाएंगे। तो अहमद, आप भी शायद चैंपियंस कप का हिस्सा होंगे आगे चल के, यू वुड बी होपिंग दैट यू वुड बी पार्ट ऑफ इट। लेकिन अब तक जो खबरें आ रही हैं, कुछ अलार्मिंग खबरें भी हैं, चाहे वो मुआवजों से रिलेटेड हो या फिर प्लानिंग से रिलेटेड हो। आपको लगता है सही सिमत में जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट? देखिए, वही जिस तरह भी सिकंदर भाई ने कहा है कि मोर और लेस ये पेंटेंगुलर क्रिकेट की तरफ ही है। और जी जी हमारी आगे जो ज्यादातर क्रिकेट है वो तो लाइक वाइट किट्स में नजर आएंगे हम, और रेड बॉल खेलेंगे। और ये टूर्नामेंट जो है ये वाइट बॉल का है, तो 5 लोग आए हैं मेंटरशिप करेंगे, वो उनके अंदर कोई 130 या 150 लोग होंगे, 10 लोगों का स्टाफ भी होगा, काफी हैवी सैलरीज भी वो ले रहे हैं। इस मुल्क के अंदर जहाँ पे 80% आपकी जो आवाम है वो ऑलरेडी बीनीथ द पॉवर्टी लाइन है, वहाँ पे इस काम के माशाल्लाह 5 मिलियन लेना, आई डोंट नो, पाकिस्तान क्रिकेट के पास, बोर्ड के पास इतने फाइनेंशियल चीजें हैं, वो शायद कर सकता होगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि अब ये मेंटोर्स ऐसा क्या करेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, जिस तरह चेयरमैन नकवी साहब कह रहे थे कि 1-1.5 महीने के अंदर जो है ना सही सिम्ट में चली जाएगी। व्हाट आई थिंक इज कि कोई भी चीज लेके आते हैं तो उस पर टाइम जरूर लगता है, अनलेस आप अपनी जबरदस्ती कर दें किसी चीज में, कि अपनी चीज को ठीक दिखाने के लिए जो भी है वहां से लड़के उठाए और डाल दिए। लेकिन अगर प्रॉपर लाइन के थ्रू चले तो हर चीज में टाइम लगता है, वो टाइम लगना चाहिए दानिश। बिल्कुल बिल्कुल सही।